चाहे गलती तुम्हारी हो या गलती इस बेजुबान की हो। मानता हूँ एक बार के लिए कि हो सकता है गलती बेजुबान की हो और इसने ध्यान से सड़क क्रॉस नहीं की होगी, लेकिन एक इंसानियत के नाते इतनी तेज़ रफ्तार से कार चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे और इसका एक्सीडेंट हो भी गया तो आपको पता तो लगा है ना कि हमारी गाड़ी से कोई टकराया है। ये इसका एक्सीडेंट इतना भयावह भयंकर है कि इसका सर फट चुका है, इसका जबड़ा फट चुका है और इसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। सही मायने में पूछो तो मैंने ऐसा भयावह सीन पहली बार देखा है। शायद ही इंसान होता तो वो जी पाता और अब तक दम तोड़ चुका होता या मौत का इंतज़ार कर रहा होता। यह बेजुबान अपने इस जीव को इधर उधर लेकर भटक रहा है। इसका एक सवाल है, क्या गाड़ी चलाने वाले तुझे पता लगा तू मेरी मदद कर देता तो क्या मैं तेरे खिलाफ थाने में जाता? क्या तेरे खिलाफ मैं कंप्लेन करता? क्या तेरी मैं शिकायत दर्ज करवाता? क्यों नहीं तुझे मुझे संभाला? मैं मानता हूँ एक पल के लिए कि मेरी गलती थी सड़क क्रॉस करने में, लेकिन तेरी भी तो गलती है ना, तूने मुझे संभाला भी नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया। इस बेजुबान को हम रेस्क्यू करके शेल्टर हाउस ले आए और इसकी हमने ड्रेसिंग की है, प्लास्टर किया है और इसको हमने पाइपलाइन के माध्यम से फीडिंग कराया है ताकि यह जीवित रह सके और उम्मीद करते हैं कि इसको हम सही कर सकें। हमारे प्रयास जारी हैं लेकिन कह नहीं सकते कि पूर्ण रूप से इसे सही कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी डेंजरस कंडीशन है। और सभी दोस्तों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस वीडियो को हमारा साथ देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी बेजुबानों की सहायता के लिए हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।